और मिल करके हम लोग जो भी बातें होती है बैठ के करते हैं, और जो भी बातें हुई है गठबंधन को लेकर के, सीटों को लेकर के, ये बहुत जल्द हम लोग आप इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हुई है। जेएमएम और कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार देने की घोषणा पहले ही कर दी है। इसके बाद माले और राजद को गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी अब तक फाइनल नहीं हुआ है, जिसके बाद राजद नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। हालांकि मुलाकात काफ़ी छोटा रहा और तेजस्वी यादव मुलाकात कर निकल गए। वहीं मुख्यमंत्री आवास में माले नेता विनोद सिंह और अरूप चैटर्जी पहले से मौजूद थे, जिनका कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से देर शाम एक बार फिर से आज हो सकती है बैठक, जिस पर फाइनल निर्णय होना है। वहीं इन सभी मामलों पर झामुमो के प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा जल्दी स्थिति क्लियर हो जाएगी और सबके सामने उन चीज़ों को सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। और मिल करके हम लोग जो भी बातें होती है बैठ के करते हैं, और जो भी बातें हुई है गठबंधन को लेकर के, सीटों को लेकर के, ये बहुत जल्द हम लोग आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखेंगे और समय पर। लेकिन आरजेडी की जो मांग है कि सम्मानजनक समझौता हो, कहीं ना कहीं देखिए गठबंधन में जो भी दल है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले हो या लेफ्ट पार्टियां हो, सभी को सम्मान मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है जो आप लोगों ने जो आप जेएमएम और राजद कांग्रेस ने जो घोषणा की उससे नाराज है? या नहीं, ये नाराजगी आप लोगों के माध्यम से है, दलों के अंदर में कोई नाराजगी नहीं। खैर सी बात है, हम लोगों की शुरुआत से एक ही बात है और हम लोगों की ज़्यादातर सीटें जगहों पर है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कांग्रेस का, जनता का, राजद का, उससे अलग हम लोग लड़े थे और उसके बावजूद हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी थी और उन्हीं महत्वपूर्ण सीटों पर हम लोगों का दावा है और उन सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसमें से कहीं से कोई दो राय नहीं है, एक दो सीटों को लेकर के उसमें जीत चल रही है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि वो जितनी महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर करेंगे। अभी उन्होंने कहा, अभी गढ़वा जा रहे थे, कि शायद आज रात तक ये चीज़ें क्लियर हो जाए। संयुक्त रूप से आप लोग प्रेस वार्ता करेंगे क्या? अभी तो बात पहले थे, जय संयुक्त रूप से बात बन जाएगी तो संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता भी होगी। राजद के संयुक्त रूप से बात नहीं हो पाएगी तो संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता भी नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार जब हुई थी 70 सीटों पे घोषणा हुई थी तो आप लोग उस दिन नहीं थे, तो एक बार क्या आप लोग फिर से एक बार सामने आएंगे बात? अब जाहिर सी बात है, देखिए आज शाम तक अभी तो निकल गए गढ़वा नाम उन्हें जाना था, तो शाम तक तेजस्वी यादव भी आए हुए थे, उनसे भी क्या? जी जी, उनसे महाराज की झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हुई, क्या बात हुई तो गठबंधन में नाराजगी की बात चल रही है, ऐसा कुछ है क्या स्पष्ट करने? जाहिर सी बात, देखिए मसला कोई हो, आप अगर गठबंधन में नए लोगों को शामिल करना चाह रहे हैं, नई ताकत, अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो जो लोग गठबंधन के लोग हैं उनको तो अपनी सीटों को त्याग करना, आप खुद करना नहीं चाहेंगे जो भी लोग भी हों, और आप कहेंगे कि भाई हम तो जोड़ना चाहते हैं, तो कोई जुड़ेगा कैसे? सर कितने सीटों पे आप लोग? जाहिर सी बात है, हम लोगों की मूलता तो हम लोगों के 8 से 10 सीटों के पे थी तैयारी, लेकिन गठबंधन में था तो हम लोगों के इच्छा था कि 5 से 6 सीटों के लिए, यानी 4 से 5 सीटों के लिए पेच फंस रहा है करते हुए 4 से 5 सीटों का लोगों को इम्पोर्टेंस था कि अगर गठबंधन हो तो 5 सीटें। थैंक यू। नहीं, अभी बातचीत हो रही है, थोड़ी बहुत जीत बाकी है, हम समझते हैं जो शाम तक कांग्रेस के भी मीर साहब ही लोग सारे लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर में हमको लगता है शाम तक फैसला हो जाएगी सारी चीज़ें, थोड़ी इंतजार कीजिए, हमको लगता है जो आज रात तक नहीं। माले ने तो कम से कम 6 की मांग की है, तो बातचीत चल रही है, हमको लगता है जो रात तक सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ माले नहीं, घटक दल जितने भी हैं आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआईएम, सारे बैठ के हमको लगता है जो सारे सीटों पर पार्टी की दावेदारी है, तो मांग रहे आप लोग? नहीं, हम लोगों ने 6 सीट की दावेदारी की है, बातचीत चल रही है, हम समझते हैं जो चीज़ें क्लियर शाम तक। आरजेडी के लोग यादव भी आए थे लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में निकल गए, हम लोगों ने देखा 20 मिनट के अंतराल से वो बाहर निकले हैं, थोड़ी इंतजार कीजिए, शाम तक 6 बजे के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी रिटर्न आ रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी आ रहे हैं,
हम समझते हैं जो आज रात तक सारे चीज माना जाए कि 6 बजे के बाद पीसी सामूहिक रूप से सभी घटक दलों के साथ होगी, उसी प्रयास में है जो आज रात तक पीसी सारे दल मिला के पीसी। हो गया बड़ा भैया।